हेलो दोस्तों, जय माता की। तो आज नवरात्रि का लास्ट दिन है और आज नवमी पूजन की जाएगी। तो यहाँ पे मैं नहा धोवा के तैयार हो चुकी हूँ और फिर मैं पूजा करने जा रही हूँ। तो यहाँ पे फटाफट मैंने पूजा भी करना शुरू कर दिया है क्योंकि कंजका बिठानी थी, तो आज जल्दी थोड़ा करना पड़ता है। तो यहाँ पे मैंने जल्दी से पूजा वूजा कर ली, फिर भोग वोग लगाया भगवान जी को, माता रानी को, और फिर मैं फटाफट किचन में पहुँच गई। और यहाँ पे मैंने एक तरफ चने बॉयल करने रख दिए हैं और फिर दूसरी तरफ मैं हलवे की तैयारी कर रही हूँ। तो यहाँ पे हमारे हलवे का प्रसाद तो रेडी हो चुका है। तो दोस्तों, आप सब सोच रहे होंगे कि मैं ऐसे कैसे इसको एक साइड कर कर के थोप रही हूँ। मैं इसलिए करती हूँ दोस्तों, ताकि मैं इसकी ना बर्फ़ी काट देती हूँ, तो बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आता है इसलिए। और यहाँ पे फटाफट मैंने आटा भी लगा लिया। तो चलिए अब बना लेते हैं पूड़ियाँ। तो यहाँ मैंने सारा प्रसाद तैयार कर लिया है, पूड़ियाँ भी तैयार हो गई हैं, मेरे हलवे भी तैयार हो गए और चना भी तैयार हो चुका है। तो बस अब हम वेट कर रहे हैं कंचका की, हमारी माताओं को आने की के लिए। तो यहाँ पे हमारी माताएं आ चुकी हैं, तो देख सकते हैं आप लोग जल्दी जल्दी से माताएं सारी आ गई हैं हमारी। तो चलिए शुरू करते हैं हम कंचका बिठाने की तैयारी। तो यहाँ पे फटाफट सभी माताओं का मैंने पैर धोया और फिर जल्दी से हम सबको कलावा बांध देते हैं और टीका भी लगा देते हैं। और फिर साथ में हम अब सबके लिए प्रसाद भी तैयार करके प्रसाद भी लगा देते हैं। तो यहाँ पे सारी माताओं को मैंने प्रसाद भी दे दिया है और ये सबको मैंने पूजा वूजा कर ली है यहाँ पे और मत्था भी टेक लिया मैंने यहाँ पे। तो हमारी माताएं प्रसाद ग्रहण कर रही हैं यहाँ पर और मैं सबका आशीर्वाद भी साथ में ले रही हूँ। तो यहाँ पे हमने कंचका बिठा ली है आज। तो आप सब ने क्या कंचका बिठा ली है, क्या बिठा ली? तो बोलिए सभी जय माता की। माता रानी हमेशा।